हाय एवरीवन, आज मैं करने वाली हूँ सिंपल तीज रक्षाबंधन मेकअप। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स विटामिन सी सीरम का। 5 से 6 ड्रॉप को अपने फेस पर लेना है और पूरे फेस पर लगा लेना है, हल्की मसाज करनी है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स उपटंडे क्रीम का, बहुत ही लाइट वेट क्रीम है, स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता। इसे भी सीरम के बाद एक सा लगा लेना है। स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो चुकी है, तो अब मैं प्रयोग कर रही हूँ स्पेन बीबी प्रो क्रीम का। मेरा शेड है 01 बेज। डॉट डॉट करके फेस पर रख लेना है, नेक एरिया को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसके बाद सीधे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करना है, बल्कि पहले हल्का सा क्रीम को फैला लेना है फिंगर की हेल्प से। इस ट्रिक के यूज़ करने से कवरेज बहुत ही अच्छा आता है और वेस्टेज भी बहुत कम होता है। तो स्पिन बीबी क्रीम को अपनी फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से मिला लिया है। इसके बाद हमें प्रयोग करना है ब्यूटी ब्लेंडर। स्पिन बीबी क्रीम को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डब डब करके मिला लेना है। जितना अच्छा क्रीम को ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा कवरेज आएगा एंड मेकअप में फिनिशिंग भी दिखेगी। ऐसे में हमें नेक एरिया पर, अपने ईयर एरिया पे, आई के पास के एरिया पे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। क्रीम को यूज़ करने के बाद भी डार्क सर्कल दिख रहे हैं, तो अगेन बीबी क्रीम को एज अ कंसीलर हल्का हल्का फिर से यूज़ कर रहा है और फिर से ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मिला लेना है। बीबी क्रीम लग चुका है, अब मैं यूज़ कर रही हूँ रेड लिपस्टिक का। इसे फिंगर की हेल्प से चिकबोन्स एरिया पर थोड़ा सा लंबाई में रखना है एंड बैक ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, नहीं तो यह देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हमें फेस के दूसरे साइड भी लिपस्टिक का यूज़ करना है। इस साइड भी हमें बहुत अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। दोनों ही साइड ये लिपस्टिक लग चुकी है। स्टार्ट में अजीब लग रहा होगा, पर टेंशन मत लीजिए, लास्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद मैं प्रयोग कर रही हूँ स्पिन बीबी पाउडर का। इसे हाथों से नहीं बल्कि एप्लीकेटर की हेल्प से लगाना है, थोड़ा सा थपथपाकर पूरे फेस पर एक सा मिला लेना है। पाउडर लगाने के बाद आप देखेंगे कि लिपस्टिक एक नेचुरल ब्रश की तरह काम करने लगेगी। इस ट्रिक की हेल्प से ब्लश पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लिपस्टिक भी एक ब्रश की तरह काम करने लगती है। तो इस तरह पाउडर को भी हमें नेक एरिया पर बहुत अच्छे से लगा लेना है। आई शेडो के लिए भी मैं उसी लिपस्टिक का प्रयोग कर रही हूँ। इसे भी फिंगर की हेल्प से लगाना है, पूरे आईलिड एरिया पर रख लेना है और बहुत ही आराम से फैलाना है। ऐसा ही आपको दूसरे आई के साथ भी करना है। आईब्रो पेंसिल की हेल्प से आईब्रोज को सेट किया है एंड जहां पर जरूरत है बस वहीं पर फिल किया है। आईब्रोज को बहुत डार्क नहीं करना चाहिए। इसके बाद एन बाय आईलाइनर का प्रयोग किया है। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल आईलाइनर है, बट इसको यूज़ करना बहुत इजी एंड हैंडी है। वैसे आईलाइनर को थोड़ा सा डार्क लगाना है जिससे फेस्टिवल वाला थोड़ा सा फीलिंग आए, थोड़ा सा लुक आए। इसके बाद काजल को भी डार्क लगाया है जिससे आँखें उभरी हुई दिखे। मस्कारा का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। तो लिप बाम का यूज़ कर रही हूँ, लिप बाम का यूज़ ज़रूर करना चाहिए लिपस्टिक को लगाने से पहले। तो अब मैं उसी लिपस्टिक का प्रयोग कर रही हूँ जिसका प्रयोग मैंने आई शेडो और ब्लश के लिए किया था। तो लिपस्टिक लग चुकी है, अब मैं लगा रही हूँ डिब्बी वाली बिंदी, क्योंकि इंडियन कपड़ों के साथ बिंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैचिंग की इयररिंग्स पहन रखे हैं। तो ये था सिंपल एंड क्विक मेकअप स्पिन बीबी क्रीम और स्पिन बीबी पाउडर की हेल्प से। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।